हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय हेल्थ चैनल हेल्थ विद सोनल। व्हाई इज शुगर बैड फॉर अस, हमें शुगर क्यों अवॉइड करना चाहिए, इस टॉपिक पे मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया है। और आज इस वीडियो में भी मैं आपके साथ शुगर से रिलेटेड कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी जो कि आपने पहले ना कभी सुना या पढ़ा होगा। और फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियोस में कुछ साइंटिफिक वर्ड्स यूज़ करती हूँ ताकि आप अपने बॉडी के साइंस को ठीक से समझ पाएँ और हेल्थ प्रॉब्लम्स के रूट कॉज को ठीक से समझकर आप अपने कई हेल्थ प्रॉब्लम्स को अवॉइड और उनका सही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक साइंटिफिक टर्म के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हम सभी की बॉडी में कंटिन्यूसली होता है और आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह ये हमारे ओवरऑल हेल्थ और साथ ही हमारे स्किन को भी हार्म कर रहा है। तो ये सब कुछ आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप ये भी समझ जाएंगे कि आप किस तरह एजिंग की प्रोसेस को रिड्यूस या डिले कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम और डिटेल में समझते हैं कि शुगर हमारे ओवरऑल हेल्थ और स्पेशली हमारे स्किन के लिए इतना ख़राब क्यों है और शुगर कैसे हमारे स्किन को नुकसान पहुँचाता है। तो जब हमारे बॉडी में बेसिकली हमारे ब्लड स्ट्रीम में एक्सेसिव या हाई अमाउंट्स ऑफ शुगर होता है तो ये शुगर मॉलिक्यूल्स फैट और प्रोटीन्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं और इस कॉम्बिनेशन से कंपाउंड्स फॉर्म हो जाते हैं। और ये जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उनको एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स या AGEs कहते हैं और इस प्रोसेस को ग्लाइकेशन कहते हैं। तो ये एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स या AGEs बहुत ही हार्मफुल और स्टिकी कंपाउंड्स होते हैं। ये AGEs हमारे कई मेजर ऑर्गन्स जैसे कि आईज, हार्ट, ब्रेन और किडनीज के ब्लड वेसल्स से बाइंड हो जाते हैं और उनको क्लॉक कर देते हैं। ये ब्लड वेसल्स बेसिकली हमारे पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो में हेल्प करते हैं। हमारे ब्लड वेसल्स स्टिफ और रिजिड हो जाते हैं, बॉडी में टिश्यूज़ की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। और फ्रेंड्स, फैट्स और प्रोटीन्स हमारे बॉडी के कई फंक्शंस के लिए ज़रूरी हैं, पर शुगर से बाइंड होने पर फैट और प्रोटीन्स ठीक से फंक्शन या काम नहीं कर पाते। हमारे बॉडी में प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं। तो बेसिकली अगर हमारे बॉडी में हाई लेवल ऑफ AGEs फॉर्म हो जाते हैं तो हमें कई तरह के क्रोनिक डिजीज़ हो सकते हैं जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर, अल्जाइमर्स, हाई ब्लड प्रेशर, विजन इम्पेयरमेंट, किडनी और हार्ट डिजीज़। सो फ्रेंड्स, ये हाई लेवल ऑफ AGEs हमारे ओवरऑल हेल्थ को तो इफ़ेक्ट करता ही है, पर इसका एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है हमारी स्किन हेल्थ पे। तो चलिए अब समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो एक्चुअली हमारी बॉडी में कोलाजन नाम का एक प्रोटीन होता है। ये कोलाजन हमारे स्किन में होता है। कोलाजन का हमारे स्किन को फर्म और इलास्टिक रखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब शुगर इस प्रोटीन कोलाजन से बाइंड होता है तो इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो बेसिकली कोलाजन का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से हमारे स्किन में इलास्टिसिटी और फर्मनेस नहीं रहती, स्किन ड्राई और डल हो जाता है, स्किन में एजिंग, रिंकल्स, फाइन लाइंस, सैगिंग और एज स्पॉट्स की प्रॉब्लम होने लगती है। सो इन शॉर्ट, ग्लाइकेशन का प्रोसेस एजिंग को इफ़ेक्ट करता है। तो अगर आपके बॉडी में हाई लेवल ऑफ AGEs होंगे तो आपकी स्किन एज होने लगेगी और आप ओल्ड दिखने लगेंगे। और फ्रेंड्स, ये एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स या AGEs तीन तरह से फॉर्म होते हैं। एक तो ये हमारे बॉडी में इंटरनली बनते हैं, या ये समझ लीजिए कि मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में फॉर्म होते हैं या मेटाबॉलिज्म का एक बाय प्रोडक्ट है और इस प्रोसेस को हम अवॉइड नहीं कर सकते। दूसरा, ये एक्सटर्नली हमारे डाइट के थ्रू भी फॉर्म होते हैं। मतलब जब आप अपने फूड में प्रोटीन्स या फैट्स के साथ शुगर कंबाइन करते हैं तो भी AGEs फॉर्म होते हैं और कुछ फूड्स में भी AGEs प्रेजेंट होते हैं। और तीसरा, कुकिंग के प्रोसेस में भी AGEs फॉर्म होते हैं। तो जैसे कि ड्राई हीट कुकिंग मेथड यूज करने से कुछ फूड्स में AGEs के लेवल कई गुना इंक्रीज हो जाते हैं। तो जैसे कि ड्राई हीट कुकिंग मेथड्स हैं ग्रिलिंग, ब्रॉयलिंग, ब्राउनिंग, कैरामलाइजिंग, बारबेक्यूइंग, रोस्टिंग, टोस्टिंग, बेकिंग, सॉटिंग और फ्राइंग। तो ये सभी कुकिंग मेथड से AGEs फॉर्म होते हैं और फूड में AGEs को इंक्रीज करते हैं। और बहुत हाई हीट या टेम्परेचर में कुकिंग करने से और ओवर कुकिंग करने से भी AGEs इंक्रीज होते हैं।
तो अब हमने समझ लिया कि एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स और ग्लाइकेशन क्या है, ये कैसे फॉर्म होते हैं और शुगर हमारे हेल्थ और स्किन के लिए कैसे हार्मफुल है। तो चलिए अब जानते हैं इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। एजिंग को रिड्यूस करने के लिए और यंग दिखने के लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो एक सिंपल सलूशन है कि शुगर को जितना हो सके अवॉइड करें। आप अपने शुगर इंटेक को ऑलमोस्ट जीरो तक रिड्यूस करने का कोशिश करें और अपने डाइट में फैट्स और प्रोटीन्स के साथ शुगर को कंबाइन करके भी ना खाएं। पर फ्रेंड्स, इतना करना ही काफ़ी नहीं, साथ में आपको बाकी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को भी अवॉइड करना होगा, जैसे कि रिफाइंड फ्लावर, पास्ता, पिज्ज़ा, बर्गर्स, वाइट ब्रेड, पेस्ट्रीज, केक्स, बिस्किट, कुकीज़, वॉफल्स वगैरह, क्योंकि इनमें फाइबर या न्यूट्रिशन नहीं होता। दूसरा, ये जितने भी कार्ब्स होते हैं वो बॉडी में शुगर या ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, पर रिफाइंड कार्ब्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होने के कारण ये फूड्स बहुत जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और ब्लड शुगर के लेवल्स को इंक्रीज करते हैं। तो आपके बॉडी में जितना एक्सेसिव शुगर होगा तो आपके AGEs के लेवल्स भी हाई होंगे। तो अगर आपको एजिंग की प्रोसेस को डिले करना है और यंग दिखना है तो आपको शुगर, रिफाइंड कार्ब्स, हाई ग्लाइसेमिक फूड्स को अपने डाइट से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो एजीज को रिड्यूस करने के लिए और एजिंग के प्रोसेस को डिले करने के लिए आपको अपने कुकिंग वेज में भी ध्यान देना होगा। तो आप ड्राई एंड हाई हीट कुकिंग मेथड्स को जितना हो सके अवॉइड करें। तो आप वेट मेथड ऑफ कुकिंग जैसे कि बॉयलिंग, स्टीमिंग, पोचिंग, स्टूइंग, ब्लांचिंग को यूज़ करें और लो टेम्परेचर या हीट पे फूड को कुक करें और फूड को बहुत ज़्यादा कुक या ओवर कुकिंग भी ना करें। और आप ड्राई हीट कुकिंग करते समय अपने कुकिंग में कुछ भी एसिडिक यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लेमन जूस, टोमेटोज, विनेगर। तो ऐसा करने से उस फूड में जो एजीज फॉर्म होते हैं उनका लेवल काफ़ी कम हो जाता है। और फ्रेंड्स, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स को रिड्यूस करने का एक और तरीका है और वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से बॉडी में एजीज इतनी जल्दी फॉर्म नहीं हो पाते। एक्सरसाइज से आपके ओवरऑल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा और आप प्रीमैच्योर एजिंग को भी डिले कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, ये एजीज का रिकमेंडेड डेली लिमिट 15,000 किलो यूनिट्स है, मतलब आपकी बॉडी इस लेवल तक हैंडल कर सकती है। पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बॉडी में एजीज का ये लेवल क्रॉस हो जाता है या बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट, अगर आप कई डिजीज़ और हेल्थ इश्यूज से बचना चाहते हैं और साथ ही एजिंग की प्रोसेस को रिड्यूस या डिले करना चाहते हैं तो आपको अनहेल्दी हीटिंग और कुकिंग हैबिट्स को अवॉइड करना होगा। तो फ्रेंड्स, आप शुगर, रिफाइंड, प्रोसेस्ड, फ्राइड, ओवरकुक्ड फूड्स को जितना हो सके अवॉइड करें और साथ ही यंग दिखने के लिए सिर्फ एक्सटर्नली एंटी एजिंग, एंटी व्रिंकल स्किन केयर प्रोडक्ट्स अपने फेस पे लगाना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको इंटरनली अपने डाइट को रेक्टिफाई करना होगा। और फ्रेंड्स, सोशल मीडिया में अनहेल्दी कुकिंग और रेसिपीज़ के पोस्ट भरे पड़े हैं, तो आप वाइजली ये देखें कि आप क्या फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आप जितना इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप उतना ही अट्रैक्ट होकर ऐसे अनहेल्दी रेसिपीज़ को बनाएंगे और खाएंगे और अल्टीमेटली अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के हेल्थ को नुकसान पहुंचाएंगे। तो आप प्लीज़ ऐसे चीज़ों से बचें और चाहे अपने घर में हो या बाहर हो, जितना हो सके अनहेल्दी फूड और ईटिंग हैबिट्स को अवॉइड करें। सो ईट राइट, लिव वेल, टेक केयर।